हेमा जी बहुत दादा कर दी होंगी, बहुत सुंदर माहौल बनाया और इतना अच्छा गया कि सब लोग नाचने लगे और मुझे भी वहाँ आने में मजबूर हो गई थी मैं भी। बहुत ही बढ़िया गाया आपने। अनु जी क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में आप? ये पुराना स्वरूप हो गया जो आया था ना ऑडिशनिंग में, फिर से वही गली वही चला गया तू। थैंक यू सर, मैं यही सुनना चाहता था आपकी। बिल्कुल मुझे लगा तेरी आवाज एकदम करारी थी, बिल्कुल करारी थी, और मेरे लिए तू मस्त कलंदर है, मस्त बोला है। थैंक यू सो मच। स्वरूप माहौल ही कमाल हो गया था, आपने इतना अच्छा समा बांध दिया और जितनी भी कमाल की जगहें आज आपने ली है ना उनके लिए वाह 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 वाह। थैंक यू, फैंटास्टिक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वरूप एक चीज कहना चाहता हूँ, आपकी जो एक बीच में एक तान आपने ली थी ना जी, उसमें इतना दर्जा था, ऐसा लगा कि आप ये आप म्यूजिक बहुत कुछ 30-40 साल से सीख रहे हो या गा रहे हो, इतनी तैयारी थी वो तान में जी, और वो सुन के एकदम दिल खुश हो गया है मेरा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू जजेस, थैंक यू हेमा जी। स्वरूप आप हमें बताइए आपकी ड्रीम गर्ल के बारे में। जी ड्रीम गर्ल और गर्लफ्रेंड के बारे में तो मैंने यहाँ बॉम्बे में आके सुना है, पहले हमको पता नहीं था कि ये क्या है। और हमारी जो समाज में मेरे परिवार वाले मेरे माता पिता जो चाहेंगे वही होगा, ताकि मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना हो। फर्ज कीजिए कि एक लड़की है जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप उन्हें दिल की बात कैसे जाहिर करेंगे? वो तो एक्चुअली शादी की बात ही होगी, पहले तो मिलने नहीं देते हैं, अलाउड ही नहीं है। शादी के बाद बोलोगे? नहीं, लेकिन आप बोलेंगे तो सही ना, कैसे प्रपोज कैसे करेंगे उनसे? अरे स्वरूप मैं बताऊं? जी आप। गर्लफ्रेंड ड्रीम गर्ल कहते हैं जी, वो और कोई नहीं बिंदनी। बिंदनी हाँ जी, उससे आप कैसे पूछेंगे कि आप हमसे शादी करेंगे कि नहीं, वो आप ही बताइए प्लीज। अच्छा मैं ही बताऊं। मेरे एक पिक्चर का एक गाना था जी, उसमें ऐसा था, झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू। बोलो हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू, बोलो I like you. Thank you. No, thank you. No, thank you. You have to say I like you. अच्छा अभी का झुका के सर को पूछो। पहले झुकाओ। अरे हाँ झुका के सर। हाँ आराम आराम करो, पहले आप सर झुकाइए। झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू। झुका के सर को बोलो How do you do? जब वो कहे How do you do? बोलो I love you. ये इधर उधर घूमता नहीं है, सीधा मेन लाइन पर आ जाता है। थैंक यू सो मच हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। देसी टैलेंट की खान स्वरूप खान को टॉप सिक्स में पहुंचाने के लिए SMS कीजिए SWAROOP यानी कि स्वरूप और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर आप अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं 5052525507। स्वरूप का कोड है 07 07। BSNL और MTNL उपभोक्ता कॉल कीजिए 1861-888-252507। वोटिंग लाइंस खुली है आज रात 12 बजे तक ही, सो कीप वोटिंग। थैंक यू सो मच। शुक्रिया स्वरूप, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा गाया। अब तक राकेश मैनी और श्रीराम दो दो बार टॉप परफॉर्मर्स का खिताब ले चुके हैं, भूमि और शिवम एक एक बार। जजेस आज के हमारे तीन चमत्कारी परफॉर्मर्स कौन है और किसे मिलती है वो शानदार बाइक सुजुकी GS 150R। देखिए तीन नाम तो आ चुके हैं और उनमें से एक को मिलने वाली बाइक, तो पहला नाम है नौशाद और दूसरा नाम है स्वरूप खान और तीसरा नाम है
राकेश मैनी। हेमा जी, वी रिक्वेस्ट यू टू अनाउंस। स्पेशली आई हैव टू मेंशन वन पर्सन, द विनर ऑफ द बाइक इज नौशाद। कांग्रेचुलेशंस नौशाद। कांग्रेचुलेशंस नौशाद, आप है हमारे परफॉर्मर ऑफ द वीक और आपको मिलती है सुजुकी GS 150R बाइक ऑफ द ईयर। लाइफ का बेस्ट वे टू रिवॉर्ड योरसेल्फ।